बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मुश्ताक और वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल गल्फ ट्रेवल सिस्टम में। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो लोग जिनका वीजा दुबई के अलावा जो 6 रियासतें हैं, अबू धाबी, शारजा, फजीरा, उमुल कुवैन, रासुल खैमा, अगर आपका वीजा दुबई के अलावा इनमें से किसी भी और रियासत का है तो इसके लिए आपके वीजे के स्टेटस का ग्रीन होना लाजमी है। और अगर आपके वीजे का स्टेटस ग्रीन नहीं है और आपके वीजे का स्टेटस रेड है तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। इस हवाले से बहुत से लोग परेशान हैं और उनका स्टेटस मुसलसल जो है ना रेड आ रहा है। इसके लिए करना क्या होता है कि उनके कंप्लेन सिस्टम में जाकर आपको एक कंप्लेन फाइल करनी पड़ती है और एक एप्लीकेशन की तरह एक एप्लीकेशन जमा करानी पड़ती है जिसमें आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट्स भी पीडीएफ फाइल में उनको भेजने पड़ते हैं। वो फिर कुछ दिनों तक जाकर आपके वीजे का स्टेटस जो है ना रेड से ग्रीन कर देते हैं। बहुत सारे लोग परेशान है क्योंकि फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की जानिब से आपके पास ग्रीन ट्रेवल का होना जरूरी है। अब मसला ये है के लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, उनके पास अराइवल रजिस्ट्रेशन भी है, क्यूआर कोड भी है, लेकिन उसके अलावा भी वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके वीजे का स्टेटस जो है वो रेड से ग्रीन नहीं हो रहा। तो अगर आपको ये जो पढ़े लिखे दोस्त हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं। आईसी स्मार्ट सर्विसेज जो है ना उनकी वेबसाइट है, आप उधर जाकर ये काम खुद भी कर सकते हैं। और वो दोस्त जो पढ़े लिखे नहीं है, अपने वीजे का स्टेटस रेड से ग्रीन कराना चाहते हैं तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तब हम जो है ना आपके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स और वीजे का स्टेटस रेड से ग्रीन करा के देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।